हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और ब्रेड से बनने वाला नाश्ता। तो बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाता है। सबसे पहले प्याज काट लेंगे। बहुत कम समय में बहुत सिंपल ही रेसिपी है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सबसे पहले हम प्याज को हम बारीक काट लेंगे। प्याज काटने के बाद हम यहाँ सबसे पहले आलू उबाल के हम रखे हैं, तो दो आलू ले लेंगे। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दो आलू दो ब्रेड। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए। ब्रेड के तो बहुत सारे नाश्ते खाए होंगे, एक बार ये ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ प्याज डाल देंगे हम। प्याज डालने के बाद यहाँ मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च। नींबू निचोड़ देंगे ताकि ये चटपटा लगे। यहाँ हम बीज को निकाल रहे हैं। हाथ इसलिए हम लगाए हैं कि जो भी बीज आए तो हाथ ही पे आएगा, इसलिए। तब जैसे इच्छा आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो निचोड़ने के लिए वो भी कर सकते हो। मेरा हाथ से ही आसान लगता है तो हम हाथ से ही कर देते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे। थोड़ा सा ये पैकेट वाला मसाला डालना है, ज़्यादा नहीं मसाला डालना है क्योंकि हेल्दी और सिंपल रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ ब्रेड उछल कर गिर भी रहा है मेरा तो आराम से करिए। इसको अच्छे से मिला लेना है आलू और प्याज को। आप और भी सब्जियाँ डाल सकते हैं लेकिन हमें सिंपल ही अच्छा लगता है। तो आपकी इच्छा है, जैसे गाजर मटर आप डाल सकते हो। तो इसको टिक्की के आकार का बना लेंगे हाथों में पानी लगा के। जैसे देखिए हम बना रहे हैं। मोटा पतला छोटा बड़ा आप अपने साइज से देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, इससे मोटा भी बना सकते हो, पतला भी बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ 5 से 6 टिक्की मेरा तैयार हुआ है। यहाँ हम तवा बैठा दिए हैं, तवा गर्म होने लगा है। तवा हमारा गर्म हो गया है तब इसमें हम टिक्की डाल देंगे। वो बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है उलटने पलटने में। तो आप बेफिक्र होकर बनाइए, कोई भी बना लेगा इसको। इसको हम अच्छे से पलट लेंगे, पलट पलट के क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ हम सोचे कि हम हाथ से ही पलट लेंगे लेकिन नहीं हुआ, तो फिर हम पलटी से पलट दिए। दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। बहुत ही कम तेल में बन जाता है ये। यहाँ हमारा दोनों तरफ से सिक गया है तो हमारा टिक्की तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार।